चैप्टर 10 सर्कल्स एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रा एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। हमें प्रूव करना है कि एक सर्कल है, सपोज ये सर्कल हुआ, सर्कल का ये आपका डायमीटर हुआ, डायमीटर्स के एंड पॉइंट पे टू आपके टेंजेंट है, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड पे है, क्लियर। तो आपका ये टेंजेंट, हम ये डायमीटर को हम शो कर लेते हैं ए एंड बी, और आपके दो ये आपके टेंजेंट हुए एक्स एंड वाई, और इधर कर लेते हैं पी एंड क्यू। चलिए ये तो क्लियर हुआ। अब हमें प्रूव करना है कि आपका ये जो टेंजेंट है, टू टेंजेंट्स यहाँ पे दिया हुआ, द टेंजेंट्स ड्रा एट एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। तो ये दो आपके जो टेंजेंट्स हैं ये पैरेलल हैं, तो पैरेलल करने के लिए हमेशा आप कोई भी चीज़ आप अगर प्रूव कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी आपके पास जरूर होनी चाहिए। ये हो गई, ये आपका पैरेलल हो गया। पैरेलल में हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, जैसे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखते हैं कोई ना कोई प्रॉपर्टी हमें पैरेलोग्राम की ज़रूर मिलेगी पैरेलल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं गिवन, एग्जैक्ट हमारे पास गिवन क्या है। तो गिवन हम यहाँ देखते हैं तो टू टेंजेंट्स हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन अ सर्कल, सर्कल सी ओ आर, ये आइडेंटिटी है सर्कल की, सर्कल ओ सेंटर ऑफ सर्कल, आर मीन्स रेडियस। गिवन और क्या है, एक्स वाई एंड पी क्यू आर टू टेंजेंट्स, टेंजेंट्स एंड ए बी इज अ डायमीटर, एंड ए बी इज अ डायमीटर, डायमीटर, ओके। चलिए प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ एक्स वाई पैरेलल पी क्यू, एक्स वाई पैरेलल पी क्यू। तो सबसे पहले इसमें हम प्रूव करने से पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं, टेंजेंट। ये पूरी प्रॉपर्टी जो 10.2 है ये पूरे टेंजेंट की है, और टेंजेंट में हमारे पास सिर्फ एक ही थ्योरम है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन सा है, द टेंजेंट, द टेंजेंट एट अ एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सा सिंबल हो गया, टू द रेडियस, क्योंकि पॉइंट से अगर किसी टेंजेंट में टच होगी तो श्योर है कि वह रेडियस ही होगी। इसका मीन्स हुआ कि ये 90 डिग्री हुआ। अब भाई रेडियस क्या हुआ, ओ से ए तक, कितना, ओ से ए। इसका मीन्स हुआ कि ओ ए परपेंडिकुलर एक्स वाई, ओ बी परपेंडिकुलर पी क्यू। इसका मीन्स ये हुआ ओ ए परपेंडिकुलर एक्स वाई एंड OB परपेंडिकुलर PQ, इसका मीन्स ये हुआ। सो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं एंगल OAX, भाई ये ज़रूरी नहीं कि हम OAX के साइड ही जाएं, OAY भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो OAX क्या हो गया आपका 90 डिग्री। चलिए इसे फर्स्ट कर लेते हैं इक्वेशन, राइट। अब सेकंड देखते हैं OB, हम PUP नहीं ले रहे हैं इस बार, हम ओ बी क्या ले लेते हैं, क्यू ले लेते हैं, एंगल ओ बी क्यू, क्योंकि हमें प्रूव करना है, लिखने तो हम दोनों लिख सकते हैं, हमने इधर भी दिखाया, हमने सीधे सीधे ये वर्क किया, ये रेड से आप देख सकते हैं ये किया है ना, अगर हम इसे थोड़ा अलग से ड्रा करें तो कुछ इस तरह का हमने वर्क किया, क्योंकि इसे आप गौर से देखिए, एक एंगल ऐसे दिख रहा है, जेड में एक एंगल दिख रहा है ऐसे। अब थोड़ा सा हम उस वहीं पे चलते हैं जहां पे हम वर्क कर रहे थे, ये आ गया ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आ गया ना, बस प्रूफ हो गया आपका कि ये पैरेललोग्राम, तो ये भी आपका 90 डिग्री। इसका मीन्स क्या हुआ भाई, दोनों 90 हुए, तो दोनों 90 हुए तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसका मीन्स ये दोनों इक्वल हैं, तो ओ ए एक्स इज इक्वल टू ओ बी क्यू, ये इक्वल भी हो गए, हमने प्रूफ भी कर दिया, और अगर हम देखें तो ये है क्या पैरेलल में, आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ श्योर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
ओ ए एक्स इज्क्वल टू ओ बी क्यू, ये तो प्रूफ हुआ। दूसरा अगर आप अलग से भी लिखना चाहें, क्योंकि हमें तो पैरलर बताना है, प्रूफ नहीं करना है, तो यहाँ पे हम क्या शो कर सकते हैं कि एंगल ओ ए एक्स एंड एंगल ओ बी क्यू, ओ बी क्यू आर अल्टरनेट, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये दोनों इक्वल भी हो गए, तो इसके रीजन से हम बोल सकते हैं कि एक्स वाई जो है वो पैरलर है पी क्यू के, और इसमें ट्रांसवर्सल क्या हुआ आपका ए बी। और यहाँ पे अगर और लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ए बी इज अ ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल्स एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल। आप और आगे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ट्रांसवर्सल, और ये आपका प्रूफ हुआ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो जरूर देखिएगा, हम लॉजिक से आपको समझा रहे हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, ठीक है, टेंजेंट है भाई, एक बाहर से एक पॉइंट आ रहा है जो जिनका नाम है ए, ये हो गया आपका ए। चलिए ये लॉजिक हुआ, और लॉजिक सॉरी लॉजिक नहीं है, टेंजेंट है पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए, और यहाँ पे हम ए इसका नाम शो कर लेते हैं, मान लीजिए बी। ओके, अब सेंटर ऑफ सर्कल तो वो ही लेंगे, एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। अब आपको कन्फ्यूज़न होगी कि सर टेंजेंट तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है थोड़ी देख लिया समझिए, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर कहाँ पे है, तो चलिए इतना तो समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ सर्कल मतलब इस पॉइंट से सेंटर ऑफ सर्कल की भी बात की गई है, ठीक है, हमने अभी लेंथ नहीं शो की है, और ये हो गया आपका रेडियस जिसे हमें फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस। चलिए प्रॉपर्टी तो आप जानते हैं 90 डिग्री, तो अभी हम पहले प्रॉपर्टी सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। टेंजेंट्स के बहुत सारे आपने क्वेश्चंस फॉलो भी किए होंगे और देखे भी होंगे, तो ज़्यादातर अगर वैल्यू दी हुई हो तो पाइथागोरस लगता है, तो अगर आप इन ऐसे क्वेश्चनों में अगर कंफ्यूज होते हैं तो एक ट्रिक है कि पाइथागोरस जो ग्रीक फिलोसफर थे उन्होंने पहले ही क्लीन मतलब एक क्लियर सजेशन दिया है कि जो लॉन्गर साइड होता है वो सबसे बड़ा लेंथ होता है। क्लियर भाई, इसकी लेंथ ज़्यादा होगी इन दोनों के अगेंस्ट, अगर ये 4 सेंटीमीटर है ये 5 सेंटीमीटर है, तो श्योर है कि ये 6 सेंटीमीटर होंगे 100%। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाइथागोरस वहाँ अप्लाई नहीं होगा। अब मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, या आपको ऐसा लग रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर की इसकी वैल्यू है, तो भाई आप थोड़ा सा उस चीज़ में आप थोड़ा सा रॉन्ग हैं। यहाँ पे जो 5 सेंटीमीटर है यहाँ पे दिया हुआ, देखिए द लेंथ ऑफ टेंजेंट स्टार्टिंग है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इसकी बात है, फ्रॉम अ पॉइंट ए, पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ध्यान समझिएगा यहाँ तक की बातें अलग है, फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, यहाँ से जो बात की गई है यहाँ तक की बातें एक है, ठीक है सेंटर ऑफ सर्कल, तो ये यहाँ तक की बात है, और जो ये इज है 4 सेंटीमीटर वो द लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात है, ये बात याद है। ये हो गया क्वेश्चन का समझना, और अगर आप क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसको भी रिमाइंड करके भी रखेंगे। मान लीजिए हमको नहीं समझ में आया, आपको नहीं समझ में आया, तो आप यहाँ पे देखिए लेंथ 5 ये 4, इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है 5, तो भाई 90 के फ्रंट पे ही हाइपोटेनस होता है, तो हम अगर क्वेश्चन ना भी पढ़ें तो भी हमें पहले से क्लियर है कि ये 5 होगा, चाहे वो कुछ भी लिखा हो हमसे मतलब नहीं है, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएंगे, अगर 5 यहाँ होगा तो रॉन्ग, क्योंकि 4 ये नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो 4 जो दिया है द लेंथ ऑफ टेंजेंट है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ये है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हुआ। क्लियर, अब रेडियस, रेडियस तो लॉन्गर साइड से तो बड़ा हो नहीं सकता, तो सबसे पहले हम जानते हैं ये द टेंजेंट इट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर सिंबल है टू द
रेडियस। भाई प्रॉपर्टी आपको जरूर लिखनी पड़ेगी, ठीक है। सो इन राइट ट्रेंगल ओ बी ए, ठीक है। वैसे राइट ट्रेंगल तो होता नहीं है, क्यों? क्योंकि राइट एंगल ऑफ ट्रेंगल होते हैं, राइट ट्रेंगल नहीं होते, ठीक है। इसका फुल नेम हो गया राइट एंगल ऑफ ट्रेंगल, क्योंकि राइट ट्रेंगल नहीं होता। ओके, तो ये 90 हो गया। अब ये आपका हाइपोटेनस हुआ, अब परफेक्ट हुआ, ये आपका परपेंडी हुआ, और ये हुआ आपका बेस। तो हाइपोटेनस ओ ए टू होल स्क्वायर एंड ए बी टू होल स्क्वायर एंड ओ बी रेडियस। ओ ए 5 सेंटीमीटर, सो 5 स्क्वायर, ए बी 4 स्क्वायर प्लस ओ बी, ये रेडियस भी आप लिख सकते हैं। 25, 4 4 16, तो 16 को ट्रांसफ़र करेंगे तो -16, सो ओ बी स्क्वायर, सो 9 ओ बी रूट, एंड रूट 9 की वैल्यू 3, तो 3 सेंटीमीटर हुआ रेडियस। सो ये आपका आंसर है। द रेडियस ऑफ ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। ये आपका प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। इसका मीन्स ये हुआ कि द परपेंड मतलब परपेंडिकुलर जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है किससे, टेंजेंट से, तो वो परपेंडिकुलर वहाँ पे मतलब क्या हुआ था हम फाइंड करते हैं बिकॉज फ्रॉम थ्योरम 10.1 से। जैसे कहने का मीन्स है कि एक सर्कल है, सपोज ये पॉइंट हुआ, हम यहाँ पे तो ओ ही ले पॉइंट्स ले लिए, अब ये आपका टेंजेंट पॉइंट हुआ, ठीक है। इसे हमने ड्रा कर लिया और एक यहाँ पे पी कर लिए, ये हो गया आपका ए बी। ए बी इज अ टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंट लाइन, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हुआ पी। अब ओ से पी तक जो कांटेक्ट होते हैं पॉइंट, वो थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 90 डिग्री होता है, ये तो श्योर है। लेकिन हमें ये प्रूव करना है कि जिस मतलब सर्कल के सेंटर पॉइंट से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो 90 डिग्री होता है, लेकिन हमें ये प्रूव करना है कि सेंटर ऑफ सर्कल का सेंटर कहाँ पे होना चाहिए। हमें यही प्रूव करना है कि वो सेंटर ऑफ सर्कल कहाँ पे है जिसके थ्रू पे हम इसे 90 डिग्री शो कर सकें। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन है ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये तो भाई दिया हुआ है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल का पॉइंट है, हमें ये प्रूव करना है कि एग्जैक्ट यही होगा या अनदर और कोई होगा। सो टू प्रूव करना है कि ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। कहने का मीन्स ये है कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि एक सर्कल है, अगर हम टेंजेंट कोई भी लाइन ड्रा करते हैं तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इस परपेंडिकुलर। तो आपको ये प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि भाई पॉइंट कहाँ पे है, क्या वही पॉइंट से आ रही है तो 90 डिग्री हो रही है या अनदर पॉइंट से आ रही है। तो हमें सेंटर ऑफ सर्कल का पॉइंट एग्जैक्ट बताना है, तो ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल हमें ये प्रूव करना है। ओके, तो चलिए प्रूव करते हैं। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। भाई ये अगर पॉइंट नहीं है सेंटर ऑफ सर्कल का तो कोई और दूसरा होगा, तो हम एक अनदर पॉइंट यहाँ पे इंस्टेट कर लेते हैं, उसके बगल पे ले लेते हैं। तो हम इसको ले लिए ओ डैश। भाई कोई भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए उसके अगेंस्ट तो लेना पड़ेगा ना किसी को, तो हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ क्या कर लेते हैं, टेक अ पॉइंट, टेक एनी पॉइंट, हम यहाँ पे ले लेते हैं ओ डैश नियर टू ओ, जस्ट जी ओ के बगल पे, एंड जॉइन किससे, ओ डैश पी से। भाई हम ये प्रूव कर रहे हैं फिर ये होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये होगा, तो जॉइन ओ डैश पी। ओके, चलिए अब प्रूफ करते हैं, यहाँ से इसे निगलेक्ट करके प्रूफ करते हैं। तो लेट सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्ट किया तो लेट कर लेते हैं। लेट ओ डैश बी अ सेंटर ऑफ सर्कल, ये हमारी माइंड की बात है, ऑफ सर्कल हमने ये सोचा कि ओ डैश सेंटर ऑफ सर्कल है, ये नहीं है,
देन थ्योरम क्या बोला गया है कि द टेंजेंट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस क्योंकि पॉइंट से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है सेंटर ऑफ सर्कल से तो एक रेडियस ही होगा। तो इसका मीन्स ये हुआ कि ओ डैश पी भी 90 डिग्री होगा जो हमने यहाँ पे लेट किया इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया कि ओ डैश पी परपेंडिकुलर ए बी, भाई परपेंडिकुलर किस में हुआ ए बी पे, तो ये हमने जो सोचा उसके अकॉर्डिंग हुआ। इसका मीन्स हुआ कि एंगल ओ डैश पी बी या ए आप ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक साइड ले लीजिए कोई सभी, तो ये 90 डिग्री हुआ। तो इसे हम कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था कि ये आपका ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मीन्स ये हुआ तो ये हमें गिवन है तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड तो इसका मीन्स ये हुआ कि ये दोनों 90 डिग्री है, तो इसका मीन्स हुआ कि ओ डैश पी बी इज इक्वल टू ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मीन्स ये हुआ कि ये दोनों 90 डिग्री हो रहे हैं, बट ये तभी पॉसिबल होगा जब ये पॉइंट एक ही हो जाए। देखिए दोनों 90 डिग्री शो हो रहे हैं लेकिन हम पॉसिबल कब बता पाएंगे जब ये दोनों पॉइंट्स एक हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट दिस इज पॉसिबल, बट इट्स पॉसिबल कर लेते हैं, इट्स पॉसिबल ओनली इफ ओ डैश एंड ओ कोइंसाइड, ठीक है, वो एक हो जाए। ये आपका प्रूफ हुआ। प्रोग्राम शो करते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मान लीजिए ये हुआ आपका कॉन्सेंट्रिक वन सर्कल एंड अनदर सर्कल। पॉइंट जीरो, अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल में यहाँ पे 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर है, तो चलिए ठीक है हम इसे 3 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे कर लिया, ये 3 सेंटीमीटर रेडियस हुआ क्योंकि हमें तो ड्रा करके इसे सॉल्व भी करना है और हमें ये भी प्रूव करना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड द लार्जर सर्कल। तो श्योर है कि कॉर्ड ऑफ सर्कल मतलब लार्जर मतलब ये हो गया, तो इसे नाम दे देते हैं सी टू और ये आपका लेते हैं फर्स्ट वाले सी वन। तो सी वन का हमें कॉर्ड फाइंड करना है। अब कॉर्ड क्या है, जनरली जो पॉइंट से न जाए तो हम पहले से ही इसे कॉर्ड कर लेते हैं, ये हो गया आपका कॉर्ड टच पॉइंट, ठीक है। तो ये हुआ आपका रेडियस हुआ 3 सेंटीमीटर और इसके जस्ट आगे कर देंगे तो ये 5 सेंटीमीटर हुआ बाहर वाले का, ये हुआ आपका 5 सेंटीमीटर। सो आउट ऑफ सर्कल कार्ड्स पी क्यू कर लेते हैं यहाँ पे और ये आपका पी एंड टी, ठीक है, ये इसे भी हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये आपको ज्वाइन एक ट्रेंगल बन गया। हमें पी क्यू का लेंथ फाइंड करना है यहाँ पे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे लेट पी क्यू द कार्ड ऑफ लार्जर सर्कल एंड सी टू एंड स्मॉलर सर्कल सी वन विच रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड सी टू ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर,
चलिए ये तो क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम देखते हैं इन सर्कल C1, C1 पे देखते हैं पे, तो C1 पे ये आपका टेंजेंट हो गया PQ। देखिए C1 पे ये एक टेंजेंट लाइन है, तो टेंजेंट के अकॉर्डिंग OT, ये जो T है ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इन सर्कल C1, C1 OT इस परपेंडिकुलर, टी ओ कर देते हैं, टी ओ परपेंडिकुलर पी क्यू। रीजन, टेंजेंट इट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस। सो इसके अकॉर्डिंग आपका ओ टी पी या ओ टी क्यू 90 डिग्री है, तो एंगल ओ टी है ना पी। अब यहाँ तो एंगल बता नहीं सकते क्योंकि ये टच पॉइंट, नहीं, बिल्कुल बता सकते क्योंकि ये टेंजेंट हो गया। तो ओ टी पी इज्क्वल टू ओ टी क्यू इज्क्वल टू 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री हो गया, तो भाई 90 डिग्री के अकॉर्डिंग, अब देखिए ये ट्रंगल में हम बात करते हैं, जस्ट आपने अभी 6 नंबर देखा, ये आपका 90 डिग्री, ये देखिए 3 सेंटीमीटर रेडियस, 5 सेंटीमीटर आपका हाइपोटेनस हो गया। अब ये बचा आपका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो ही फाइंड करना है, या फिर आप इसे परपेंडिकुलर शो कर लीजिए फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, तो हमें पी टी की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? और वही चाहिए क्योंकि पी टी जो होता है हाफ होता है ओ टी के, भाई पी टी जो है हाफ किसके है, पी क्यू के। तो रीजन्स के अकॉर्डिंग बताएंगे, तो सबसे पहले हम चलते हैं इन ट्रेंगल ओ टी पी, तो पाइथागोरस से ओ पी स्क्वायर, यहाँ पे देख सकते हैं ओ पी स्क्वायर इज्क्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे ओ पी देखिए 5 सेंटीमीटर है, तो 5 स्क्वायर एंड ओ टी 3 स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। सो 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, सो पी टी स्क्वायर। तो पी टी को स्टॉप कर देते हैं, 25 माइनस 9 16, तो पी टी की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। और थ्योरम तो हम ऑलरेडी 10.1 में हम पढ़ चुके हैं, द कार्ड ऑफ सर्कल इस, देखिए द का ये कार्ड है आपका, द कार्ड ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्ट ऑफ द कार्ड, मतलब उसे 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये दोनों इक्वल, मतलब क्या होंगे, ये हाफ में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम शो कर देते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू इज द कार्ड, कार्ड ऑफ सर्कल सी टू एंड ओ टी इस परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। ओके, देयरफोर ओ टी बाइसेक्ट द कार्ड, बाइसेक्ट द कार्ड, तो बाइसेक्ट द कार्ड मीन्स ये दोनों पार्ट्स को इक्वल करेगा, यानी पी टी इज्क्वल टू टी क्यू। तो यहाँ पे हम शो कर सकते हैं पी टी इज्क्वल टू पी क्यू। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, पी क्यू की वैल्यू चाहिए, तो पी क्यू सॉरी पी टी इज्क्वल टू टी क्यू है ना, ये टी क्यू है, तो पी क्यू इज्क्वल टू क्या होगा भाई, ये दोनों इक्वल हैं, तो हम टू इसको टी क्यू को भी पी टी लिख सकते हैं, तो 2 इंटू पी टी। अब पी टी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो इसका मीन्स हुआ 2 इंटू 4, तो पी क्यू इज्क्वल टू 4 2 जा 8 सेंटीमीटर, और ये आपका कार्ड की वैल्यू है। सो ये आपका आंसर है कार्ड ऑफ पी क्यू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रा टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ये सर्कमस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल है जो टचेस पॉइंट कहाँ पे है, पी क्यू आर एंड एस पे है। तो हमें प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इज्क्वल टू ए डी प्लस बी सी। अब देखिए ये आपका टचेस पॉइंट है, आप इसे टेंजेंट भी बोल सकते हैं, टेंजेंट की इसमें हम पूरी प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 क्लियर करते हैं,
और हमारे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही ये प्रूफ हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम चलते हैं ए बी सी डी जो आपका क्वेश्चन दिया है उसे पहले क्लियर कर लेते हैं। इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल एंड और तो इसमें कुछ दिया नहीं है, सर्कमस्क्राइब दिया है सर्कल्स, तो हम ए बी सी डी से क्वाड्रिलेटरल ही कर लेते हैं। लाइक आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं लाइक सर्कम स्क्राइब ऑफ सर्कल। सो टू प्रूव ए बी प्लस सी डी लाइक, थोड़ा शब्द अच्छे नहीं, सच दैट कर लेते हैं, सच दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ओके चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हमें ये मालूम है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट, देखिए टेंजेंट है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट किसी एक पॉइंट से, ये वाला आप ऑलरेडी क्वेश्चन आपने क्लियर कर रखा है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट पे टच होती है तो ये दोनों लाइंस क्या होते हैं, टेंजेंट इक्वल होते हैं। ये थ्योरम 10 पॉइंट समथिंग 2 पे है, थोड़ा सा आप ज़रूर देख लीजिएगा, थ्योरम है एक्सटर्नल पॉइंट से। सो यहाँ पे हम सबसे पहले वही लिखेंगे द लेंथ या लेंथ का लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट ड्रा फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, आउटसाइड से एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर आपका थ्योरम हुआ। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि सभी जो टेंजेंट पॉइंट हैं ये सभी इक्वल होंगे। सो इसके अकॉर्डिंग हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, बी क्यू जो है वो किसके इक्वल होगा, बी पी के। अगर हम यहाँ पे देखें ए से स्टार्ट करते हैं तो ए पी इक्वल टू ए एस होगा। चलिए वन बाई वन ए से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए पी इक्वल टू ए एस, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। देन पॉइंट बी, तो बी में हम देखते हैं तो बी पी इक्वल टू इक्वल टू बी क्यू, लेकिन लाइन से ही ज़रूर लिखिएगा अदरवाइज आंसर्स थोड़ा डिस्टेंस हो जाएगा। जैसे हमने ए पी इधर लिखा, लाइन्स ज़रूर रखिएगा, ए पी ये हो गया। जैसे हम पॉइंट बी में करें तो बी पी, वैसे ही जब सी पॉइंट पे करेंगे तो सी आर इक्वल टू सी क्यू, थर्ड इक्वेशन। एंड पॉइंट डी, तो डी में हम लिखेंगे डी आर इक्वल टू डी एस, ये आपका फोर्थ इक्वेशन। ऐड कर दीजिए और आपका आंसर आ गया, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। सो यहाँ पे देखते हैं ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, इधर भी देखते हैं ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब यहाँ पे देखते हैं ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी करेंगे तो ए बी होगा, ठीक है। सी आर प्लस डी आर देखिए, तो सी आर प्लस डी आर तो सी डी हो जाएगा, ये आपका सी डी हुआ। इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू, तो ए एस प्लस बी क्यू। अब देखिए यहाँ पे सेटअप नहीं है, ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू ये तो ऐड नहीं होंगे, तो और कुछ देखिए ए एस के साथ क्या आप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इधर तो हो गया, तो ए एस के साथ डी एस होना चाहिए, तो डी एस आपके लास्ट पे है, तो आप चाहें तो इसके साथ आप कर लीजिए या तो फिर पास में लिख लीजिए एक लाइन। अब बी क्यू प्लस सी क्यू ही होगा, चलिए ए एस प्लस डी एस, अब देख सकते हैं ए डी हो गया, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू आपका बी सी हो गया, और इधर तो ऑलरेडी है, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई, ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट, ठीक है भाई ध्यान समझते हैं थोड़ा सा अलग से, इस डायग्राम से भी हटके। मान लीजिए हमारे पास दो लाइंस दिए हुए
और ये क्या है, पैरेलल्स है, ठीक है। टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी, ये आपका है ठीक है। विथ पॉइंट टू कॉन्टैक्ट इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई कहाँ पे पॉइंट कॉन्टैक्ट करती है, ए पे, ठीक है, एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी और एक्स डैश वाई डैश एट बी। तो हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी 90 डिग्री, ध्यान समझिएगा, ए ओ बी 90 डिग्री, मतलब हमें प्रूव करना है, मतलब ये तो हो गया ना क्लियर कि ये 90 ही है, सपोज प्रूव करना है मतलब है ना, यही तो प्रूव करना है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि 90 है। अब ये आपका एक ट्रेंगल है, इसे आउट कर दीजिए, तो ट्रेंगल आउट करेंगे तो ये आपका पॉइंट ओ है, तो ये अगर 90 डिग्री है तो अगर ये दोनों को हम ऐड कर दें, ये जो दो दो बचे एंगल है, मान लीजिए ओ है और ये ए है ये बी है, तो ओ अगर 90 डिग्री हो गया और ए प्लस बी को अगर हम मिला के 90 कर दें तो दोनों 180 हुए ना। तो हमें सिर्फ यही प्रूव करना है कि ए प्लस बी यानी ये कोना, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर को अगर हम ऐड करके ये प्रूव कर दें कि ये 90 है, तो प्रूफ हो गया और हम यही प्रूव करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। अब पैरेलल की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, ये पी क्यू इसमें ट्रांसवर्सल है और ए बी भी ट्रांसवर्सल है, तो हमें तो बहुत सारे क्लू दिए हैं, दो क्लू हैं। तो चलिए थोड़ा लॉजिक करते हैं, ये एंगल है क्योंकि हमें यही एंगल पे फोकस करना है, तो ये एंगल को हम क्या कर लेते हैं, सपोज ये आउटसाइड वाले एंगल को 1 कर लेते हैं, इसे 2 कर लेते हैं और ये एंगल को 4 कर देते हैं, आउटसाइड यहाँ पे 3 कर देते हैं, 1 2 3 एंड 4, और ये ओ और सी को ज्वाइन कर देते हैं। तो चलिए गिवेन पर फर्स्ट करते हैं, तो गिवेन हमारे पास क्या है, टू पैरेलल्स एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल लाइंस। चलिए ये तो क्लियर हुआ, पैरेलल्स लाइन या पैरेलल्स के बाद लाइन आप करके हटा के टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर सेंटर ओ एंड पी क्यू इज अ डायमीटर, क्योंकि पी क्यू ट्रांसवर्सल भी है उसमें और एक डायमीटर भी है, तो पी क्यू इज डायमीटर। चलिए अब सॉल्व करते हैं, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है, ए ओ बी इजक्वल टू 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक छोटा सा है, सिर्फ ओ और सी को ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन ओ सी बस हो गया। अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ, तो हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि एंगल 4 और एंगल 2 90 हो जाएं, बस बस, और इसके अलावा हमें कोई भी प्रूफ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो प्रूफ हुआ और हमारा क्लियर हो जाएगा प्रूफ। तो ये कब होगा, अब ध्यान समझिए, ये दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन में हम एक ट्रांसवर्सल करते हैं। अब ये प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी आप सभी जानते हैं कि ये दो एंगल्स को अगर ऐड कर दें को इंटीरियर एंगल को, तो कितनी डिग्री होती है, 180 डिग्री, राइट। अब देखिए ये आपका ए बी एक ट्रांसवर्सल है, अगर हम ये दोनों एंगल्स को ऐड कर दें यानी 3 4 1 2, यानी ये 4 एंगल, सपोज यहाँ पे हम हेल्प के लिए लिख ले रहे हैं 1 2 3 और 4, अगर हम इसको ऐड करें तो कितने डिग्री होगा, 180। अब अगर हम 1 और 2 को सेम कर दें, मतलब दोनों को इक्वल कर दें और 3 और 4 को भी सेम कर दें, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, मतलब 1 और 2 को हम सेम कर दें तो एंगल यहाँ पे हमें सिर्फ क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखिए 2, तो 2 एंगल 2 हो जाएगा, और 3 और 4 को एक जैसा कर दें यानी इक्वल कर दें तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 2 एंगल 4, 180। अब 2 कॉमन लेंगे तो 180 के डाउन साइड आएगा, 90 आ गया ना प्रूफ, 3 प्लस 4 आया ना, 2 प्लस 4 सॉरी हो गया, यही तो प्रूफ करना है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है, ये दोनों एंगल को इक्वल करना है, तो इक्वल कब होगा, तो चलिए वर्क करते हैं। इसके लिए हम ट्रायंगल लेते हैं ओ ए सी एंड सी ओ बी, सॉरी 3 और 4 को हमको प्रूव करना है, तो हम यहां लेंगे ओ ए पी और ओ ए ओ सी। तो यहां पे हम प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे एन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ ए
सी। अब देखते हैं इसमें क्या क्या इक्वल है, क्योंकि कॉन्ग्रेंस करना है, एंगल प्रूव करने के लिए कॉन्ग्रेंस करते हैं। तो ओ ए, ओ ए आपका कॉमन हो गया, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन साइड्स, कॉमन साइड्स ये हो गया। दूसरा ओ पी और ओ सी आपका ट्रेंग रेडियस हो गया, इक्वल टू ओ सी रेडाई ऑफ सर्कल, ऑफ सर्कल। और ए पी इक्वल टू ए सी, क्यों, ये टेंजेंट पॉइंट। अब भी हमने लास्ट क्वेश्चन किया कि ए पी इक्वल टू ए सी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए पी इक्वल टू ए सी। तो यहाँ पे शो कर सक रीजन तो देना ही पड़ेगा। तो टेंजेंट ड्रा फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रा फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, पॉइंट बस हो गया। तो ये हो गया आपका रीजन हो गया। तो ये थ्री साइड्स आपकी इक्वल हुए, तो ट्रायंगल क्या हो गया, ओ ए पी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ओ ए सी। किस रीजन से, साइड 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 ऑफ कंडीशन, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बात कर सकते हैं, एंगल थ्री जो होगा एंगल फोर्स के होगा। ये हमें फर्स्ट प्रूफ हो गया। तो ये किस रीजन से हुआ, सी पी सी टी। अब इसी तरह हमको सिमिलरली ओ सी ओ बी और बी ओ क्यू, तो आप चाहे तो इसे प्रूफ भी कर सकते हैं या फिर सिमिलरली करके ट्रेंगल करके आप लिख सकते हैं। सिमिलरली इन ट्रेंगल, यहाँ पे देख सकते हैं सी सी ओ बी ट्रेंगल, ट्रेंगल सी ओ बी कॉन्ग्रेंस ट्रेंगल बी ओ क्यू, ट्रेंगल बी ओ क्यू, क्योंकि सेम ही होगा, वो भी किस रीजन से, साइड साइड साइड। तो इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। तो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू किस रीजन से, सी पी सी टी। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अब देखो ये मिल गया ना, वन एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसा हमने अभी आपको बताया कि को इंटीरियर से इसमें कौन सा आपका लाइन जा रहा है ट्रांसवर्सल, ए बी है ना, ये दोनों आपके पैरेलल हैं। तो यहाँ पे हम क्या शो कर देंगे, एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल, ए बी इज ट्रांसवर्सल। सो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, एंगल अब देख सकते हैं यहाँ पे पी ए बी, क्योंकि ये को इंटीरियर हो जाएगा जैसे हमने अभी बताया, पी ए पी और क्यू बी ए, पी ए पी प्लस क्यू बी ए इक्वल टू 180 डिग्री। किस रीजन से, को इंटीरियर एंगल, तो को इंटीरियर एंगल्स। तो पी ए बी, अब पी ए बी में देखिए, तो पी ए बी में हमें थ्री और फोर दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल थ्री प्लस एंगल फोर प्लस क्यू बी ए में, तो आप ऑलरेडी देखी हैं एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू 180। अब हमें सिर्फ यहाँ पे फोर और टू से बस मतलब है, और तो थ्री आउटसाइड है, तो टू और फोर ये दोनों, अब एंगल थ्री और एंगल फोर इक्वल है, तो हम थ्री के प्लेस पे एंगल फोर लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमें टू चाहिए, तो एंगल वन के प्लेस पे हम एंगल टू लिख सकते हैं, प्लस एंगल टू इक्वल टू 180 डिग्री। किस रीजन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड सेकेंड। सो एंगल फोर, एंगल फोर टू टू एंगल फोर प्लस टू एंगल टू इक्वल टू 180, टू कॉमन हो गया, एंगल फोर प्लस एंगल टू इक्वल टू 180। सो एंगल फोर प्लस एंगल टू इक्वल टू 180/2, और यही तो हमें प्रूव करना था 90, कि ये दोनों मिलके 90 डिग्री बस हो जाए, वो ऑलरेडी हो जाएगा। कैसे, अब हम यहाँ पे शो कर देंगे नाउ इन ट्रेंगल, क्योंकि हमें ट्रेंगल में प्रूव करना है बस, ट्रेंगल ओ ए बी, क्लियर। तो एंगल यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी, क्योंकि सभी को वन बाई वन सेंटर पे लेना है, ये ओ हो गया जो फाइंड करना है, ए और दूसरा हो गया आपका, थर्ड हो गया आपका
ओ बी ए, देखिए सभी सेंटर पे आ गए, ओ ए बी। किस प्रॉपर्टी से? द सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री, 180 होता है। तो ए ओ बी की वैल्यू हमारे पास तो नहीं है। अब ओ ए बी देख सकते हैं, ओ ए बी ये एंगल 4 है और ओ बी ए ये एंगल 2 है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 2 आपके सामने है, एंगल 4 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, ओ ए बी राइट। तो ये आपका हुआ इक्वेशन, इसे थर्ड कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 90 इक्वल टू 180। सो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 माइनस 90, और ये आपका प्रूफ हुआ 90 डिग्री। क्लियर?